दोस्तों, आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने का सबसे आसान मेथड बताऊंगा, जिससे आप 2 से 3 सेकंड में ही स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी राइजन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक सभी के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इस तरह आपको 10 तक याद होने चाहिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर सिखाता हूँ। हमारे पास है 529, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका इस साइड से पेयर बनाएंगे। हमें 2 डिजिट का पेयर बनाना है और इस डिजिट को अकेले छोड़ देना है। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है ये 9 है। 9 किसके, अब हमें यहाँ पे चेक करना है 9 किस किस में लास्ट में आता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9, यानी कि इसकी जो यूनिट डिजिट हो गई वो क्या हो गई, 9। इसी तरह हमें देखना होगा कि 7 है, 7 के लास्ट में भी 9 ही आता है। तो हमें क्या है, हमें ये पता है कि 3 और 7, इन दोनों की अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट हमें 9 मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये दोनों अंक मिल गए। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास बचा 5। अब हमें 5 को देखना है, 5 हमारा कहाँ पर आएगा। तो अगर मैं देखूं स्क्वायर में, अगर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इसके बीच में 5 आएगा, तो मुझे क्या पता है कि 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में 5 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2 और 3। ठीक है दोस्तों, अब हमेशा इन दोनों में से जो छोटी डिजिट होगी हमेशा उसको यहाँ पर लिख लीजिए आप। जैसे मैंने 2 को यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इनको इनटू करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 6। अब देखिए ये 5 जो है ये इस 6 से छोटा है। इसका मतलब अगर ये 5 6 से छोटा है तो हम इन दोनों नंबर में से छोटा नंबर ले लेंगे। छोटा नंबर क्या होगा, 3, तो मैं यहाँ पर 3 ले लूंगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकल गया दोस्तों, ये हो गया 23। अब थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1024। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालने को बोल दूं तो आप कैसे निकालेंगे, हम सेम ट्रिक अपनाएंगे। हम 2 का पेयर बनाएंगे और चेक करेंगे कि 4 किसके लास्ट में आता है। तो 4 किसके लास्ट में आएगा दोस्तों, अब देख लीजिए 4 किसके लास्ट में आएगा। एक तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा और एक दोस्तों 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 8। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास बचा 10। अब देखिए 10 किन 2 स्क्वायर के बीच में आएगा दोस्तों, 9 और 16। 1 3 का स्क्वायर है, 1 है 4 का स्क्वायर, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कहीं ना कहीं 10 आएगा। तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा, यहाँ पर 4 लिख दूंगा। अब दोस्तों हमेशा मुझे यहाँ पे छोटी डिजिट लेनी है, तो छोटी डिजिट को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और दोस्तों देखिए, 3 × 4 करिए, क्या आ गया, 12। अब ये जो 10 है ये 12 से छोटा है, इसका मतलब छोटा है, तो इन दोनों में से मैं कौन सा अंक लूंगा, मैं 2 को ले लूंगा। मतलब छोटा है तो छोटे अंक को मैं ले लूंगा, तो यानी कि 2। अब ये स्क्वायर रूट किसका हो गया, ये 32 का स्क्वायर रूट हो गया। अब दोस्तों थोड़ा बड़ा अंक ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 10609। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, हम इसमें पेयर बना लेंगे। तो हम लास्ट के दो दो अंक का हमेशा पेयर बनाएंगे, जैसे मैंने अभी बनाया। अब देखिए दोस्तों, 9 9 किसके लास्ट में आता है, 3 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा और 7 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा। तो 1 हो गया 3 1 हो गया 7। अब दोस्तों देखिए हमारे पास क्या बचा, 106। अब हमें देखना है दोस्तों 106 कि किन 2 स्क्वायर के बीच में आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 11 का स्क्वायर लिख दूं तो 121। अब 100 और 121 के बीच में कहीं ना कहीं 106 आएगा दोस्तों। तो इसी तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 10 और 11 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे पता है हमेशा मुझे छोटी डिजिट लेनी है, तो छोटी डिजिट क्या हो गई, 10। अब देखिए मैं दोस्तों इनको इंटू कर देता हूँ, इंटू करने पर मुझे क्या मिलेगा, 110 मिलेगा मुझे। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा 106 है वो 110 से छोटा है, मतलब इन दोनों डिजिट में से मुझे छोटी डिजिट लेनी है, क्योंकि मेरा 106 जो है वो 110 से छोटा आया है। अगर 106 यहाँ वाली डिजिट से बड़ा आता तो मैं बड़ा अंक लेता, पर मेरे पास छोटा अंक आया है, तो इसलिए दोस्तों मैं छोटी डिजिट ले लूंगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, 3। अब देखिए दोस्तों, अगर 103 × 103 हम करेंगे तो हमें हमेशा इसका स्क्वायर ही मिलेगा, यानी कि 10609। आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये ट्रिक दोस्तों, ये ट्रिक। तो अब मैं आपको इसी में ही एक छोटी सी चीज और बताऊंगा जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे देखिए, हमें यहाँ पर डिजिट क्या मिली थी, हमें यहाँ पर 3 मिली थी डिजिट, तो हमें पता है हमारी दूसरी डिजिट जो होगी वो 7 ही होगी हमेशा। मतलब आपको बस एक डिजिट निकालनी है
कि जिसके लास्ट में 9 आएगा, जैसे 3 का स्क्वायर 9, यानी कि यूनिट डिजिट 9 आ गई, तो बस आपको 3 को निकालने की जरूरत है, दूसरी डिजिट 7 होगी। ये हमने कैसे किया दोस्तों, इन दोनों का सम हमेशा 10 आएगा, जैसे 3 प्लस 7 10 आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमें 3 का पता है तो अगली डिजिट जो होगी, दूसरी डिजिट जो होगी वो हमेशा 7 होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पर 8 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर 7 आएगा दोस्तों। और ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप स्क्वायर स्क्वायर में देख सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या है 10 के स्क्वायर में, 9 के स्क्वायर में क्या आ गया 9 के स्क्वायर में भी 1 आ गया, मतलब 1 और 1 यूनिट डिजिट सेम हो गई, पर इन दोनों का सम क्या हो गया 10 हो गया दोस्तों। ऐसे ही 2 का और 8 का, ये भी 10 हो गया सम। ऐसे ही 3 का और 7 का यूनिट डिजिट सेम, और ऐड क्या हो जाएगा, ऐड करने पर 10 मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरह हम 4 और 6 को देख सकते हैं, यूनिट डिजिट 6, और 4 और 6 को ऐड करने पर क्या मिलेगा दोस्तों, 10 मिलेगा। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एक ही डिजिट निकालनी पड़ेगी। ये ट्रिक आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐड कर सकते हैं, मतलब आप 2 से 3 सेकंड में ही आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे दोस्तों। ट्रिक बहुत आपके काम आने वाली है, इसलिए आप इस ट्रिक के कुछ क्वेश्चन करके देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इनको ट्राई करिए अभी, और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इनका आंसर क्या होगा। मैं आपका कॉमेंट देखने जरूर आऊंगा। थैंक यू दोस्तों।